हेलो दोस्तों, नमस्ते। पिंकू पहाड़ी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है आज नए दिन के साथ और नए समय के साथ। तो मैं ब्लॉग स्टार्ट बहुत दिनों के बाद, क्योंकि मुझे मेरी तबीयत सही नहीं है, जुकाम जुकाम लगी है, इसलिए मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पा रही हूँ। आज कर रही हूँ क्योंकि आज यहाँ है असीर मेला। तो हम सुबह सुबह तो मैं तैयार होकर पीली साड़ी पहनने की मैंने देखी और मैं जा रही हूँ भेंट चढ़ाने शिव जी भोलेनाथ को। मम्मी और पापा चले गए आगे, चाची लोग भी, तो मैं भी जा रही हूँ वहाँ। तो मैं अभी सुबह हम भेंट चढ़ाने जाएंगे और टाइम हो चुका है 8:36। तो हम भेंट चढ़ा के फिर खाना आएंगे दिन में, या फिर शाम को ऐसे घूमने और मेले देखने जाएंगे। फिलहाल हम भेंट चढ़ाने चले जाते हैं, तो मिलती हूँ मैं आपको रास्ते में, क्योंकि मुझे लेट हो गई। मम्मी पापा चले गए और मुझे लेट हो गई, इसलिए मैं अभी चली जाती हूँ। कैसे लगी मेरी साड़ी? चाची ने लगाई है, क्योंकि मुझे साड़ी पहननी नहीं आती है और चाची ने ही पहनाई रखी मुझे साड़ी। तो चलिए साले जा रहे नितिन और नेहा को, क्योंकि उसकी मम्मी नहीं आ रही, तो इन दोनों को मैं अपने साथ मम्मी चलेंगे। तो ये गेट है यहाँ से प्रांगण मेला। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की दुकानें हैं चूड़ी की, देखो। तो दोस्तों मेरे साथ मिल गए मुझे लब्बी, आए हाय नेहा कक्कड़, और अब जाएंगे हम घर इसके बाद, क्योंकि अभी धूप होने बैठ गई और टाइम भी हो चुका है 10:30। तो 12:00 बजे आएंगे हम यहाँ, फिर 1 बजे हाँ, बारह एक बजे एक बजे क्या करते थे हम 12:00 बजे फिर खाना खा के आएंगे हम यहाँ दोबारा घूमने के लिए। और ये लबड़ा झबड़ा उतर कर दूंगी मैं, क्योंकि इससे बहुत ही अजीब फील होता है मुझे कल पैंतीनी में, और ये बहुत खुश हो रही है, इसको बाद में पता चलेगा जब शादी हो जाएगी। चुप रहो। और ऊपर से सूर्यदेव भी बहुत, मैं आज का तबीयत भी सही नहीं है क्योंकि जुकाम जुकाम लगी है, इसलिए मैं थोड़ा ब्लॉग नहीं बना पॉजिटिव। तो चले मिलती हूँ घर में, फिर बाद में मिलती हूँ सीधा जब इधर आते हैं हम। तब तक ले बाय, टाटा, सी यू। तो दोस्तों अभी हम घर पहुंच गए और मैंने कपड़े चेंज करे, क्योंकि उस साड़ी से बहुत ही मतलब फील, मुझे अच्छा नहीं होता ना साड़ी में, अच्छा फील नहीं कर पाती मैं सूट में, मुझे खुले कपड़े अच्छे लगते हैं। तो और लबी थोड़ा मेरे कपड़ों पे प्रेस कर रही है, जो मैं खाना खा के इसके बाद पहनूंगी दोबारा जाने के लिए पहनूंगी मैं, क्योंकि अभी तो वहाँ धूप धाप हो रही, तो शाम को थोड़ा घूम घाम के इसलिए जाऊँगी। तबीयत भी सही नहीं है, पर थोड़ा बहुत चले जाती हूँ क्योंकि साल में एक ही बार होता है। फिर इससे पहले बार नहीं गई थी मैं, इसी बार जा रही हूँ। इससे पहले बार मैं सर मेरे पेपर थे उस टाइम ऐसी, तो नहीं जा पाई, और इस बार और क्यों तो चली जाती हूँ जब मौका है तो चक्का मार दो। और तेज तो भेजे अच्छी वाला, तब तो आयु जी होने की मैं जी, तो तभी तो आर की मैंने। तो गाइस आप ड्रेस चेंज देख रहे होंगे आप रोडी रोड, तो हम मैं दोबारा जा रही हूँ असीर मेले अभी मैं, क्योंकि सनकोट का देवता आर कवा मेरे मामा गांव का वो चले गए हैं, तो मैं अभी उनको देखने जा रही हूँ असीर मेले, क्योंकि आज बहुत अच्छा मेला होता वहाँ, आपको भी दिखाऊंगी मैं हमेशा है लब्बी। मैं कोशिश करूँगी वाला दिखाने की कोशिश करूँगी। हाँ ये सही बोला इसने, क्योंकि भीड़ भाड़ में होता है, तबीयत भी सही नहीं है, पर फिर भी थोड़ा बहुत, और पानी की बोतल साथ में है क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। तो चले मिलते हैं, वो आइसक्रीम बड़ा नहीं यार, अजीब आइसक्रीम जो अरे फिर सुबह नहीं खाने मम्मी, तो हमने भात भूत का व्रत तो आधा दिन करा था, उसको हमने पूछ के खाना खा दिया। अब जा रहे हैं, मम्मी लोग आ रहे हैं और लबी और मैं चलेगी, और उसके बाद यहाँ से मेरी बहनें आ रही है उधर से, तो हम मेले में मिलेंगे, देखते हैं दोस्त मिलेंगे मेरे, बाय बाय। तो दोस्तों हम असीर में मतलब एंट्री कर चुके हैं, थोड़ा गांव से थोड़ा से दूर है, पहुंच चुके हैं, और यहीं से गाड़ियों की लाइन शुरू। देखिए यहाँ पे सामान सामान की सब Yeah.
ये सामान ले रही है। ये देखो नथी रेडी फिरिया ने नथी फिरिया नथी लिया 5000 भी भैया ने मुझे कितने पैसे दे दिए। यो मेला का खर्चा है नहीं नहीं देखा। ये फिरिया बहस कर रही है दुकानदार से बहुत ही कंजूस। एक पत्ता बोले 5 रुपए का दे दो भाई तो सच ही मिलेगा आजकल जमाने में 5 रुपए का पत्ता। दो चार और दोनों में देखूंगी दो चार और दो यो बोले 5 रुपए के मेरा ना आजकल 5 रुपए तो भैया से वो टेट नहीं होने ना यो ढीलो होने हो तो भैया जी परेशान हो गए। अरे भैया एक दो और दे दो ना पैसे कौन से फ्री में ले भैया परेशान हो गए तो है बहुत ही बड़ो हो सब एक ग्लास ही के। अरे नहीं कोई टाइट रन कोई ढीला रन सामान लेने में यहाँ बहस हो रही है तब मैं बैठ जाती हूँ मुझे धूप हो रही है। पूरा फोन दे भूलो पहुँचो मुझे सोनिका और रितिका 24 घंटा फोन फोन ऋतु और यहाँ पे जल्दी अब हम घर जाएंगे क्योंकि 6 बज गई है। 6 बजी भाई तो ये अमीषा है ये प्रिया और ये मेरे स्कूल के दोस्त रितिका सोनिका और ये सारे टूट पड़े हैं चौमीन के परांठों पे और जूम केल के तुम ये देखो खाने के हिसाब लग रहा है कितनी प्लेट खाएंगे वो ये पहले ही बैठ गई है खाने के लिए ए भूखड़ चले भी लो ना प्रिया जाएगी चले भी खरीद कर चौमिन लिया मेरे की समाप्ति और लोगों को दुकानदारों के सामान की पैकिंग होने वाली है और ये बहुत ज्यादा चिल्ला रही क्या क्या खोल बाद में चौमिन नहीं खाने में हम चौमिन मैंने चौमिन छोड़ रखी है।